अरे चुप रुस्तम, चुपचाप लड़की भी सेट कर ली और शादी करने वाला है, कब मिलवा रहा है भाभी से? हाँ भाई, हम भी तो देखें कि हमारे गौतम भाई की चॉइस कैसी है, कहीं बाद में पता चले कि लड़की से चुड़ैल है। शुभ शुभ बोल भाई। अरे हाँ भाई, अगर पैर उल्टे निकले तो दिक्कत हो जाएगी ना। तुम लोग को ना आंटी बाहर बुला रही है। हमें? हाँ। हम दोनों को? हाँ। चलो थोड़ी देर में आ रहे हैं। गौतम, मेरी बात सुनो। गौतम, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गौतम, सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे। गौतम, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, कितने सपने देखे थे हमने साथ में। गौतम बस करो प्रिया, तुम आज भी उन सपनों की दुनिया में हो, लेकिन अब मैं अहाना से प्यार करता हूँ। अहाना, 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 उस डायन की वजह से तो ये सब हो रहा है। पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने तुम पे। प्लीज ये शादी के लिए मना कर दो ना, प्लीज गौतम। बस करो प्रिया, एक और वर्ड नहीं सुनूंगा उसके खिलाफ। हमारी सिर्फ दोस्ती थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। जो कुछ था तुम्हारी गलत फहमी थी। मेहमान बनकर आई हूँ, मेहमान बनकर रहो। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। किसने किया है ये सब? सुना है किसी आदमखोर जानवर ने मारा है। रेखा की बॉडी को देखकर लग रहा था कि उसके शरीर से किसी ने पूरा खून चूस लिया हो। राम राम, बेचारी अकेली भी तो रहती थी, न कोई आगे न कोई पीछे। लेकिन यहाँ तो कोई जंगली जानवर भी नहीं है। इसका एक भाई भी इसी तरह ऐसे ही हादसे में मारा गया था। कहाँ हुआ था ये सब? क्या हम ऊपर जा सकते हैं? हाँ, चलिए। ये लाश के टुकड़े कर दिए गए थे, ये निशान पुलिस ने लगाए हुए हैं। बेटा, आपने चीख सुनी? नहीं, मैंने तो कोई चीख नहीं सुनी। मासी, मान लिया उसकी शक्ल उससे मिलती है, लेकिन आपके पास कोई और सबूत है? उसके हाथ पे जो निशान है ना, वो बिल्कुल उस लड़की के जैसा ही है। इसका मतलब रेखा मासी ठीक कह रही थी। आहाना, तुम्हारी सच्चाई का पता तो मैं लगा कर रहा हूँ, और गौतम के लिए लड़ाई मुझे लड़नी ही होगी, क्योंकि गौतम सिर्फ मेरा है और मैं उसे हासिल करके रहूंगी। उपाय समझते था। ओम नमस्ते। तुमने इन्हें बचा लिया, तुमने होते तो पता नहीं क्या हो जाता। हाना, पापा की ऐसी हालत में हम शादी कैसे कर सकते हैं? हमें शादी पोस्टपोन करनी चाहिए। लेकिन गौतम,
अब तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं और काफी मेहमान भी घर पर आ चुके हैं और पापा भी तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो। वो तो कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी शादी डिले हो। हाँ बेटा, आना सही कह रही है, हमें ये शादी पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए। तुम्हें गौतम को कुछ नहीं करने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। गौतम सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, समझी? प्रिया, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्यों गौतम से नाराज हो। तुम्हारी शादी उससे नहीं हो पा रही, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। हम दोस्त भी तो बनकर रह सकते हैं ना गौतम। गौतम ये नाटक कर रही है और अंकल की जो हालत है ना अभी, वो इसी की वजह से है। मेरी वजह से? सिर्फ यही थी वहाँ पर। गौतम, तुम पागल हो चुकी हो, जाके अपना इलाज कराओ। गौतम, गौतम तुम ठीक हो ना? और तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अब आप वर और कन्या का गठबंधन करिए। फेरे संपन्न हुए, अब आप अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लीजिए। कितना इंतजार करवाऊंगी तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। देवी
पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।